तो मेरा नाम अनमोल है और मुझे देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैंने एसिड अटैक को सर्वाइव किया है. जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके घर में बहुत खुशहाली होती है, सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं. पर मेरे ख्याल से जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे घर में कोई खुश नहीं रहा होगा और ना ही किसी ने सेलिब्रेशन किया होगा, क्योंकि अगर मेरे पैदा होने से कोई खुश होता तो शायद मेरा वेलकम एसिड से नहीं किया गया होता. जब मैं बस 2 महीने की थी तो मेरे डैड ने मेरे मॉम पे एसिड डाला था एंड आई वॉज इन अ लैब, सो इट वॉज फेल ऑन मी ऑल्सो. उसके बाद आई वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर 5 ईयर्स. वहाँ के जो नर्सेस एंड डॉक्टर्स थे उन्होंने मेरा पूरा ख्याल रखा. मुझे उन्होंने एज अ पेशेंट ट्रीट नहीं किया. हम सबकी लाइफ में बहुत लोग आते हैं और अपना अपना रोल प्ले करके चले जाते हैं. तो वैसे मेरे लाइफ में बिगिनिंग में ही जो नर्सेस थे हॉस्पिटल्स के वो मेरी माँ जैसी थी और जो डॉक्टर्स थे वो मेरे डैड का रोल निभा रहे थे. तो उन्होंने 5 साल तक मेरी बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा बहुत अच्छे से. और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर मैं पढ़ लिख लूँगी तो मैं भी लाइफ में कुछ बनूँगी. और जब मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे डॉक्टर बनना था, जब मुझे पता भी नहीं था एग्जैक्टली डॉक्टर होता क्या है. मैं बस हॉस्पिटल में पली बड़ी थी और मैंने देखा था कि एक कोई इंसान होता है जो व्हाइट कोट पहनता है और वो लोगों को ठीक कर देता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर और मैं बहुत पैशनेट थी कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है. तो उन्होंने मुझे स्टडीज़ के लिए एक ऑर्फनेज में हैंडओवर कर दिया. वहाँ पे मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से हो गई. मैंने ग्रेजुएशन कर लिया BCA में, क्योंकि मेरे साथ जब मैं 10th में थी आई वॉज़ वेरी वीक. मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो 3 पॉइंट हो गया था तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था. और जस्ट बोर्ड एग्ज़ाम्स के 2 दिन पहले मैं ठीक हो गई थी. तो मैंने एग्ज़ाम्स तो पास कर लिया. फिर उसके बाद मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मुझे साइंस मैं परस्यू नहीं करने को मिला और फिर मुझे कॉमर्स चूज़ करना पड़ा. फिर कॉमर्स के बाद आई चोज BCA क्योंकि फिर तब तक मुझे बिल गेट्स की तरह बनना था. तो मैंने BCA किया. BCA के बाद मैंने बहुत जगह पे जॉब के लिए ट्राई किया. मुझे स्टार्टिंग से ही हमेशा जॉब मिलने में दिक्कतें आ रही थी. जहाँ भी जाती थी इंटरव्यू के लिए तो मुझे हमेशा रिजेक्शन मिलता था कि हम नहीं तुमको ले सकते. और मैं बहुत छोटी बच्ची थी तब, जस्ट मैंने ग्रेजुएशन पास किया था और दुनिया का कुछ पता नहीं था क्योंकि ऑर्फनेज में रह रही थी. तो सोसाइटी में क्या होता है और मुझे इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा फेस इस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है. मैं स्कूल भी जाती थी तो मैं स्कूल बस से जाती थी और आती थी तो कोई इंटरेक्शन नहीं होता था मेरा लोगों के साथ. और जब कॉलेज जाने लगी तब भी माय कॉलेज वाज जस्ट 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माय हॉस्टल. तो उसमें भी कम ही इंटरेक्शन रहा. और कॉलेज में मेरे कोई दोस्त नहीं होते थे, मैं अकेले बैठ के लेक्चर्स अटेंड करती थी. कभी बंक नहीं करा, कभी मज़े नहीं किए कॉलेज में. और फिर जब जॉब की बारी आई तो मुझे पहले से बहुत टाइम से मुझे रिजेक्शन मिलता था पर मैं हमेशा खुद को मोटिवेट करती थी कि नहीं कल के इंटरव्यू में जाऊंगी और अच्छा करके आऊंगी, पर तब भी मुझे रिजेक्शन ही मिलता था. और मेरे ऑर्फनेज में रूल है कि आफ्टर 18 यू हैव टू लीव. वो गवर्नमेंट का एक रूल है कि अगर 18 साल के बाद आपको निकलना है और जो बाकी बच्चे होते हैं और भी तो उनको चांस मिल जाता है. तो मेरा 18 इयर्स ऑब्वियसली कंप्लीट था पर मेरे पास जॉब नहीं थी कि मैं बाहर निकलूँ और ख़ुद से सेटल हो जाऊँ. तो एक कंपनी में मुझे जॉब मिली थी एज एन HR पर वहाँ पे मुझे 2 महीने तक के बाद मुझे निकलना पड़ गया क्योंकि जो मेरे को एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने कंप्लेन करी कि हम ऐसा फेस हमेशा नहीं देख सकते हैं, हमें डिस्ट्रैक्शन होती है जॉब काम करते टाइम, काम का इतना प्रेशर होता है और ऊपर से ऐसा फेस देखो. तो इस वजह से मुझे 2 महीने के अंदर ही टर्मिनेट कर दिया गया. उसके बाद मेरे ऑर्फनेज वालों ने भी मुझे निकाल दिया गया कि हम लोग और नहीं देख सकते आपको, आप बड़े हो गए, आपको निकलना है और ख़ुद से आपकी लाइफ देखनी है. तो जब मैं ऑर्फनेज से बाहर निकली तो मेरा पहला स्टेप था कि मुझे रेंट पर रूम लेना है रहने के लिए. और मैंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे कि जब एक ऑर्फन लड़की होती है, मेरे साथ तो क्या था, मैं ऑर्फन थी प्लस
दुनिया की नजरों में आई वॉज नॉट ब्यूटीफुल फेस, एक नॉर्मल फेस जो दुनिया देखती है. तो मेरे लिए बहुत टफ था कि मुझे रेंट पे एक रूम मिल जाए, क्योंकि एक होता था कि लैंडलॉर्ड्स जो होते थे उनको अगर ये बताओ कि मैं ऑर्फन हूँ, मेरी फैमिली नहीं है, तो उनको ऐसे लगता था कि हम किसको रूम दे रहे हैं जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं, और कुछ हो जाएगा तो हम किसको बुलाएंगे. और दूसरा होता था कि लैंडलॉर्ड फिर फ़ायदा उठाने की कोशिश करता था कि भाई लड़की अकेली है, कोई आने वाला है नहीं पूछने, हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें होती थी. तो ये एक प्रॉब्लम हो गई. और मैंने मेरी जो ऑर्फनेज में मेरी दोस्त रही है हमेशा से और जो मेरी तरह बाहर निकल के स्ट्रगल कर रही होती है, तो मैंने उन लोगों के लाइफ में भी देखा है कि उन लोग के साथ मेरे से ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी. और मेरे साथ ये एक चीज़ होती थी कि जब मैं पब्लिक स्पेसेस में जाती थी, जैसे कि ट्रैवल करना हो गया, रेलवे प्लेटफॉर्म, मैं मुंबई में रहती हूँ और वहाँ पे लोकल ट्रेन्स बहुत चलती है, तो लोकल्स में जब ट्रैवल करना होता था या कहीं भी जाना होता था तो लोग मुझे एकदम वियर्ड नज़र से देखते थे कि हमने किसे देख लिया, ये कैसी शक्ल है. और ट्रेन्स में जाती थी तो कोई मुझे छूता तक नहीं था मेरे से साइड में, मतलब कैसे, तो एक तो बहुत भीड़ रहती है फिर भी वो लोग जगह बना देते थे, उससे एक प्लस पॉइंट होता था कि मुझे बैठने के लिए जगह मिल जाती थी, तो वो लोग मेरे से दूर रहते थे. जब मैं कॉलेज में थी तो मेरा कोई दोस्त नहीं था क्योंकि उन लोग के लिए मेरा फेस नॉर्मल नहीं था. 3 साल तक, ग्रेजुएशन के 3 साल में मेरा कोई ज़्यादा मेरी कोई दोस्त नहीं रही है. मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, कोई मेरी दोस्त नहीं रही. और फिर एक बार ऐसा आया कि मैंने मेरे फ्रेंड्स को देखा हुआ था कि सब लोग, वो टाइम पे फेसबुक बहुत चलता था, 2014-15 की बात है जब मैं कॉलेज में थी, तो उस टाइम पे फेसबुक बहुत चलता था और मैंने देखा हुआ था कि हर कोई फेसबुक पे सारे अपडेट्स देते हुए रहता है. तो मैंने भी मेरा अकाउंट मैंने बना लिया, पर मैं बहुत मैं देखती थी कि मेरे फ्रेंड्स फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, फिर उसमें उनको लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं. मेरा भी मन करता था कि मैं अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करूं, पर जो मेरा फ्रेंड सर्कल होता था उनके दबाव से मैं नहीं कर पाती थी कि तू मत करना अपलोड, मतलब सोशल मीडिया इज़ नॉट अ गुड थिंग, तुझे ट्रोल किया जाएगा, तेरी फ़ोटोज़ को लोग गंदा गंदा बोलेंगे, ऐसे सब चीज़ें. एक बार हिम्मत करके मैंने मेरी फ़ोटो अपलोड करी और लकीली मुझे किसी ने कुछ निगेटिव नहीं बोला, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले और लाइक्स भी मिले. तो तब से मुझे मेरे में वो हिम्मत आ गई कि मैं मतलब मेरे फ़ोटोज़ में सोशल मीडिया पे डाल सकती हूँ जैसे हर कोई डालता है. और वैसे मैंने शुरू किया कि नॉर्मली जैसे लोग अपडेट करते ट्रैवलिंग हेयर देयर या फिर इस रेस्टोरेंट में है ये वो, ऐसा सब करना मैंने शुरू किया. और मेरे में फिर वो एक हिम्मत आ गई कि मैं फेस कर सकती हूँ दुनिया को वर्चुअली. तब तक जो मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस था वो ख़राब ही था. और फिर मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मुझे ऑफर्स मिलने लगे फ़ोटोशूट्स एंड ऑल के लिए. तो फिर फ़ोटोशूट्स से शुरू हुआ, फिर ऐसे ऐसे फिर मुझे मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे कि आप हमारे साथ फैशन शो करो. तो जूही चावला और सुष्मिता सेन, इन जैसों के साथ मैंने स्टेज शेयर किया एज अ फैशन मॉडल. तो इसमें ये एक बात है कि जो लोग मुझे मेरी फेस की वजह से मुझे बहुत साइड करते थे, मुझे वियर्ड सा लुक देते थे, तो वही फेस अभी मुझे फेम देने में काम आ रहा है. सोशल मीडिया पे ये एक बात अच्छी है कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. अगर तुम कैसे भी हो पर तुम अच्छा कंटेंट दे रहे हो, अच्छी चीज़ें लोगों को दे रहे हो और लोग आपको इंस्पिरेशन समझ रहे हैं, मोटिवेशन समझ रहे हैं, तो आपको सपोर्ट मिलता है. तो मेरे लिए वो चीज़ अच्छी रही कि मैंने खुद को डीमोटिवेट नहीं किया. थोड़े टाइम के लिए मैं डीमोटिवेट हो गई थी कि मैं मेरी फ़ोटो कैसे अपलोड कर सकती हूँ, बट जब मैंने हिम्मत करके वो चीज़ करी तो वो सही निकली. तो हर किसी की लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं कि हम डीमोटिवेट फील करते हैं, डाउन फील करते हैं, पर हर प्रॉब्लम के लिए एक सल्यूशन होता है. और जब तक हिम्मत नहीं करेंगे तब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं.
तो ये जो चीज़ें अब मेरे साथ हो रही है और पहले जो मेरे साथ होता था कि मैं पब्लिक प्लेसेस में जाती थी, लोग मुझे वियर्ड लुक देते थे, अवॉइड करते थे, तो आज एकदम उल्टा है. आज अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो लोग ओ अनमोल आई एम योर ह्यूज फैन ऐसा करके आते हैं, फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, सेल्फीज़ खिंचाते हैं. तो अभी मुझे सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिल रहा है क्योंकि उस टाइम पे मैंने अगर क्विट किया होता, मैंने ये सोच के शायद मेरी फर्स्ट फ़ोटो ही मैंने अपलोड नहीं करी होती तो आज शायद मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं होती. थैंक यू सो मच.